वेलकम टू मैजिक हील। आज हम पर्सनल स्विच वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। स्विच वर्ड्स की लिस्ट एक डिफाइंड नहीं होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, तो आइए देखते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं। पर्सनल स्विच वर्ड्स वो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो आपके अकॉर्डिंग बने होते हैं, बने इन द सेंस कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको उस चीज से रिलेट करके आपको हैप्पीनेस दे सकते हैं, आपको बेटर फील करवा सकते हैं। जैसे कई बार आप कुछ चीज़ आपने स्मेल की गई अच्छी सी और आप कहीं और वो स्मेल करेंगे तो वो चीज़ आपको उस समय की याद दिलाएगा या उस टाइम। कई बार हम पुराना गाना सुनते हैं तो हमें अपना वो टाइम याद आता है कि हाँ वो टाइम्स हमारे ऐसे थे, हम ये वाला गाना सिंग करते थे। तो इसी तरह से स्विच वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए बने हैं। मैं आगे आपको लिस्ट ऑफ स्विच वर्ड्स बताऊंगी कैसे आप वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी आप इस वीडियो को स्टॉप करके एक पेपर पेन लेके बैठ जाइए, जिससे कि आपके जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपको क्विक 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 आंसर्स देने हैं उसके। आप इन्हें कभी यूज कर सकते हैं, आपका जब मूड खराब हो, आपको स्ट्रांग फील करना हो, आपको अपने को प्रोटेक्शन देनी हो, अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना हो और अपने विजडम को बढ़ाना हो, डिसीजन को लेना हो, और आप देखेंगे कि आप बहुत डिफरेंस आएगा उसमें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन राउंड की तरफ। सबसे पहले इसमें मैंने आपसे पेपर पर इसलिए बोला कि आपको ये इंस्टेंट आंसर्स देने हैं, आपको सोच समझ के देने, लॉजिक नहीं लगाना है कि नहीं, क्योंकि आपका कोई चेक नहीं कर रहा है पेपर, दिस इज फॉर यू ओनली। और ये जो वर्ड्स हैं ये आप ही को हेल्प करेंगे, तो जो भी माइंड में आ रहा है एकदम क्विक आंसर उसको जस्ट राइट इट अप। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट हॉलीडे प्लेस, जहां पर भी आपने बहुत एंजॉय किया हो। चूज फ्रॉम द बिलो, फैमिली, ब्लेस, पीस, लव, शेयरिंग, सिक्योरिटी, ट्रुथ। चूज एनी वन। योर फेवरेट शेप, कलर, फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट सिंगर, लाइफ मोटिवेटर, हुम यू फील्स लव्स यू द मोस्ट, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन, बेस्ट टीवी एक्टर। क्विकली क्विकली राइट देम। योर फेवरेट फूड, यू ड्रीम ऑफ बिकमिंग, जब आप बच्चे थे आप क्या बनना चाहते थे। कोई भी फेवरेट वर्ड, जैसे कुछ लोग आबरा का डाबरा है टाइप्स, कुछ भी आप वर्ड ऐसा जो आप बहुत ज्यादा बोलते हो या बहुत पसंद हो, एनीथिंग, उसको सकता है उसका कुछ मीनिंग भी ना हो। योर फेवरेट इंसिडेंट, जब आपने बहुत अच्छा फील किया हो, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम, कोई भी कॉमेडियन जो आपको बहुत कॉमेडियन मतलब बहुत हंसी दिलाता है तो उसका नाम लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको कौन प्यार करता है, सबसे ज्यादा आपको केयर कौन करता है, किस पर्सन को आप मानते हैं कि वो वर्ल्ड को चेंज कर सकता है, जैसे कि आप मोदी भी लिख सकते हैं इसके अंदर। पर्सन जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हैं, जैसे मिलके आप रोते हैं नहीं यार मुझे भी लाइफ में कुछ करना चाहिए। अब जब आपने सब वर्ड्स लिख लिए हैं, आई होप लिख लिए हैं आपने, अब इनमें से क्विकली 6 वर्ड्स निकाल लीजिए, जस्ट चेक इट, जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 6 वर्ड्स निकाल लीजिए एंड राइट इट ऑन अनदर पेपर। अब आपको करना क्या है, मेक अ फ्रेज, हाउ, टुगेदर, और जो आगे के आपको 5-6 वर्ड्स हैं उनको लिखकर, कि जैसे अजय हो सकता है कि आप पर्सनल जो आपको सबसे प्यार करता हो, आप क्या बनना चाहते थे, जर्नलिस्ट बनना चाहते थे, फेवरेट आपको फूड कौन सा, एप्पल है, आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं, फैमिली को करते हैं, प्रेफरेंस उसको देते हैं। तो इस तरह से कोई भी आपके वर्ड्स हो सकते हैं, जस्ट मेक अ फ्रेज ऑफ इट एंड चैंट इट व्हेनेवर नीडेड। आपको कभी मूड स्विंग हो रहा है, जैसे कई बार आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप सैड फील कर रहे हो, तो अपने कॉमेडियन का नाम चैंट कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड का नाम चैंट कर सकते हो जिससे मिलकर आपको बहुत खुशी होती है। तो दिस वेज आपकी पर्सनल स्विच वर्ड्स हैं और ये वर्क आप ही के लिए करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।